नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुकेटिव यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, 2024 का हिंदी लिटरेचर का पेपर फर्स्ट है, रेगुलर छात्रों का है, एमजीएस यूनिवर्सिटीज का, सेट बी का है। आंसर की आपको बताने वाला हूं, तो अपने अपने आंसर के आप मिलान कर सकते हैं। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए इसकी भी जानकारी आपको स्टूडियो में देखने के लिए मिलने वाले हैं। 60 नंबर यहाँ पे दिए गए मैक्सिमम। तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम आपको कितने नंबर चाहिए, 20 नंबर एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए। 1 से 1.5 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है। यदि आप पास नहीं होते तो आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम भी दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें यहाँ पे और शेयर करें, और कमेंट्स में भी जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है महाभारत की रचयिता है। यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं सभी छात्र। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पे वेद व्यास नहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा है वैदिक व्यास, यानी कि ऑप्शन में गलत दे रखा है। तो इसका जो वेद व्यास था उसका पूरा नाम था कर्षण देपायन व्यास था, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो भी ए करके आए उनका गलत होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वैदिक व्यास दे रखा है। वेद व्यास देता तो यहाँ पे ठीक होता, बट यहाँ पे वैदिक व्यास दे रखा है। तो कर्षण देपायन व्यास इसका पूरा नाम, तो सी ऑप्शन क्या होगा इसमें, राइट आंसर रहने वाला है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत साहित्य का लेखक नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन पुष्प दंत नहीं है, बाकी संस्कृत के लेखक है। उसके बाद में बात करते हैं तीन नंबर, संस्कृत साहित्य के पश्चात कौन सा साहित्य पहले पहल विकसित हुआ। तीन नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा, प्राकृतिक साहित्य। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से नहीं हुआ है। चार नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आएगा सी ऑप्शन आएगा, महाराष्ट्री, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पांच नंबर क्वेश्चन, श्राव का चार की रचयिता है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, देवसेन। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। तो सिक्स में कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होने वाला है, गारसातय तासी। नेक्स्ट बात करते हैं सात नंबर, साहित्य इतिहास की सही लेखन प्रस्तुति है। तो सातवां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन क्या आएगा, राइट आंसर होगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पद्धति। नेक्स्ट बात करते हैं एट नंबर क्वेश्चन, एट नंबर में क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आठवां जो क्वेश्चन उसमें आएगा सी ऑप्शन, ये दोस्तों यहाँ पे असत्य है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे सत्य है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नाइन नंबर, साहित्य इतिहास संबंधित कौन सा कथन असत्य है। नाइन नंबर में आएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दस नंबर, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। तो दसवां जो क्वेश्चन है उसमें आएगा दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हजारी, प्रसाद, त्रिवेदी ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ग्यारह नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है। ग्यारह नंबर जो क्वेश्चन में आएगा दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर रहने वाला है, सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि संबंधित मत युग्म गलत है। गलत पूछा यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, ये गलत है, बाकी सारे के यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर, हिंदी के प्रथम कवि के बारे में सर्वमान्य मत है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सर्वेपा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आचार्य रामचंद्र ने क्या नाम दिया था। 14 नंबर क्वेश्चन में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन आएगा, आदिकाल। नेक्स्ट बात करते हैं आदिकाल की पूर्वापर सीमा 1884 ईस्वी से 1350 ईस्वी में किस विधान ने बताई। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन आएगा, गणपति चंद्र गुप्त ने। नेक्स्ट आता है 16 नंबर, आदिकाल के नामकरण से संबंधित युग्म गलत है। 16 नंबर में क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आने वाला, ये गलत है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे सही है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है, 17 नंबर क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, ये असत्य है, बाकी सारे सारे क्या हैं, सत्य है। नेक्स्ट आता है 18 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम रचना के संबंध में सर्वमान्य मत है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सर्वकाचार। नेक्स्ट आता है 19, कौन सा युग्म गलत है। तो 19 में कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे गलत है, बाकी सारे के सारे क्या है, सही है। नेक्स्ट आता है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आदिकालीन प्रवृत्ति नहीं है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, पे बी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीयता का काव्य। नेक्स्ट आता है 21 नंबर, कौन सा युग्म गलत है, फिर गलत पूछा यहाँ पे, तो 21 में आएगा बी ऑप्शन, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, यहाँ पे सही है, और जो वाला जो बी ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत के अंदर पूछ रहा है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। 22 है, रासो काव्य से संबंधित कथन गलत है, इसमें भी गलत पूछा है। तो 22 में कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की कौन सी प्रवृत्ति असंगत या गलत है। 23 नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा। 24 नंबर, नाथ साहित्य संबंधित कौन सा कथन गलत है।
24 में कौन सा होगा, सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा। 25 नंबर, कौन सा युग्म असंगत है, बार बार असंगत ये गलत ही पूछ रहा है इसमें। 25 नंबर जो क्वेश्चन है बी ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, कौन सा कथन असत्य है, फिर से पूछ लिया असत्य, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बात कर 27, पद्मावती समय किस काव्य महाकाव्य का भाग है, 27 में कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है 28 नंबर, मनहु कला ससभान कला 1600 बनियन पंक्ति में कवि ने किसके संदर्भ का चित्रण किया है, तो 28 में कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पद्मावती। उसके बाद में आता है 29 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ काव्य दे रखे हैं पंक्तियों में बताने की संबंधित युग्म है। 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा, डोला मारूरा दुला राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट आता है 30 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ पंक्तियां दे रखी है, वर्ण्य विषय बताना है इसके अंदर, 30 में कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 31 नंबर में है कुछ पंक्तियां दे रखी है, बताना होगा आपको निंदा वर्णित है, किसकी निंदा वर्णित है ये। 31 नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, मारवाड़ की। नेक्स्ट बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन प्रस्तुत करता है, तो 32 में आएगा बी ऑप्शन, तोता। नेक्स्ट है 33 नंबर, जय जय शंकर जय जय त्रिपुरारी जय अध पुरुष जयति अध नारी उपयुक्त पंक्तियों में संबंधित सही युग्म है। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे आज। 33 क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में कुछ पंक्तियां है, बताना आपको पीयू का भावार्थ है, 34 में कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ईश्वर। उसके बाद हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के पंक्तियों में किस कवि का है, तो 35 में कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो की। नेक्स्ट है 36 नंबर, 36 नंबर में कुछ पंक्तियां दे रखी है, देख देख राधा रूप अपार अपुरूप की बिही आनी मिली होल खिति खल तल लाभिनी सार, उपयुक्त पंक्तियों में किस ग्रंथ से संबंधित है, 36 में कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विद्यापति पदावली। नेक्स्ट बात करते हैं 37, दुल्हनी गहूं मंगलाचार हम घर ही आए हो राजा राम भरतार, कबीर के इस पंक्तियों का वैश्विक बताना है, तो 37 में कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, रहस्यमता। 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा, यहाँ पे कुछ पंक्तियां दे रखी है, बताना होगा वो उपयुक्त शैली कहलाती है, खुसरो द्वारा रचित उपयुक्त शैली कहलाती है, तो 38 में कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन का मतलब होगा मुकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39, अमीर खुसरो ने अपनी कविता किस भाषा में रची है, 39 नंबर में आएगा बी ऑप्शन, खड़ी बोली के अंदर, बहुत ही 200 पेपर आपका दिया गया है। सकल बन फूल रही सरसों पंक्तियों में संबंधित सही विकल्प है, तो 40 में कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, तो ये पेपर आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एमजीएस यूनिवर्सिटीज का पेपर है, अदर यूनिवर्सिटीज के लिए काम आएगा, और जिसका भी पेपर अपने मिलान कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। बाकी जैसे जैसे एग्जाम हो रहे हैं सभी पेपर अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।